अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि क्या इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर या सोल्जर बियर्ड या मुस्टैच रख सकते हैं या नहीं। आपने अक्सर इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर या सोल्जर को क्लीन शेव लुक में देखा होगा, वहीं दूसरे तरफ आपने कुछ ऑफिसर्स को बियर्ड में या कुछ सोल्जर्स को अलग से ही दिखने वाली घनी मूछों में देखा होगा, और ये सब देखकर आपको काफी कंफ्यूजन होता होगा रिगार्डिंग दी रूल्स फॉर फेशियल हेयर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो आज की ये वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगी, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में फेशियल हेयर के रूल्स के बारे में। इंडियन आर्म फोर्सेस में क्या रूल्स हैं फेशियल हेयर के लिए, जिसे हर ऑफिसर या सोल्जर को फॉलो करना होता है। अलग अलग कंट्री में फेशियल हेयर को लेकर अलग अलग नियम हैं। कुछ कंट्री हैं जैसे श्रीलंका, जहां पर बियर्ड रखना अलाउड नहीं है, पर सोल्जर्स या ऑफिसर मुस्टैच रख सकते हैं। श्रीलंका में बस नेवी में बियर्ड रखने की परमिशन है। श्रीलंका की आर्मी या एयरफोर्स में किसी को बियर्ड रखने की परमिशन नहीं दी जाती। सेम रूल ग्रीस में भी है, जहाँ पर ग्रीस की नेवी में बियर्ड रखने की परमिशन है, पर ग्रीस की आर्मी या एयरफोर्स में बियर्ड रखने की परमिशन नहीं है। वहीं कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जैसे तुर्की, जहाँ पे बियर्ड या मुस्टैच रखना साफ मना है किसी भी ऑफिसर या सोल्जर के लिए, और इसी तरह का रूल है नॉर्वे में भी। पर कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे नॉर्वे के सोल्जर्स को या ऑफिसर्स को रिलैक्सेशन मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बियर्ड रखना वैसे तो अलाउड नहीं है, पर आप परमिशन लेकर ट्रिम्ड मुस्टैच या साइड बंस रख सकते हैं। पर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपकी मुस्टैच टॉप लिप से नीचे ना जाए एंड आपके साइड बंस बॉटम ईयर पार्ट से नीचे ना जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग केस है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का। ब्रिटेन में पहले के टाइम पर बियर्ड रखना अनयूजुअल था, पर जब ब्रिटेन इंडिया में रूल कर रहा था, देन उस टाइम पे ऑफिसर को सजेस्ट किया जाता था कि आप बियर्ड ग्रो करें, क्योंकि ईस्टर्न साइड में बियर्ड को अथॉरिटी एंड पावर के साथ सिंबलाइज किया जाता है। अब तक तो हम लोगों ने डिफरेंट कंट्री में फेशियल हेयर को लेकर जो भी रूल हैं आर्म फोर्सेस में उसको देख लिया है, एंड अब फाइनली हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस की। वैसे तो इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑफिसर या सोल्जर को बियर्ड रखने की परमिशन नहीं है। हाँ, आप मुस्टैच रख सकते हो, पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी मुस्टैच की लेंथ टॉप लिप से नीचे ना जाए। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें आप अपने बियर्ड या मुस्टैच को ग्रो कर सकते हैं, और उन सभी केसेस को हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे। पर उससे पहले मैं बता दूं कि इंडियन नेवी में एंड इंडियन कोस्ट गार्ड में आप अपने सीओ यानी कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेके बियर्ड रख सकते हैं, पर आपकी बियर्ड वेल मेंटेन होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं उन स्पेशल केसेस के बारे में जिससे आप इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में बियर्ड रख सकते हैं। सबसे पहला केस है कि अगर आप सिख हैं, क्योंकि ये रिलीजन का पार्ट है इसलिए सिख को इंडियन आर्म फोर्सेस में बियर्ड रखने की पूरी परमिशन है। अगर आप डोगरा रेजिमेंट से हैं तो आपको मुस्टैच ग्रो करने की परमिशन है। अगर आप इंडियन आर्म फोर्स की स्पेशल फोर्सेस जैसे इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ या इंडियन नेवी की मार्गोज या इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो का पार्ट है, देन उस केस में आप पर फेशियल हेयर को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर आपको अपने डिप्लॉयमेंट और मिशन के अकॉर्डिंग अपनी बियर्ड की लेंथ या शेप को चेंज करना पड़ सकता है। इन कमांडो को ये फ्रीडम देने के पीछे काफी कारण हैं, जैसे अपनी आइडेंटिटी को लोकल पीपल से छुपाने के लिए या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में अपने आप को वार्म रखने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मन में फेशियल हेयर इन इंडियन आर्म फोर्सेस को लेकर जितने भी डाउट हैं वो सब अब क्लियर हो गए होंगे। पर फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या इन जनरल कोई भी आर्म फोर्सेस रिलेटेड टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक करें ये वीडियो एंड अपने डिफेंस एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करें जो बियर्ड रखते हैं।